प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब्बू आ रहे हैं। जयशंकर रेस्क्यू इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। तेरा बाप आया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल लीड अ डेलीगेशन टू पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द एससीओ समिट व्हिच विल बी हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन 15th एंड 16th आई अंडरस्टैंड ऑफ अक्टूबर। डॉक्टर फिजा दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ। मैं आज खुश हूँ। नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूँ। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि भारतीय वजीर खारजा के दौरे से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानियों में तो खुशी का ऐसा माहौल बन गया कि जैसे पाकिस्तानियों के अब्बू आ रहे हो। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज हमें आज पता लगी और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आए। देखिए सीधी सादी बात ये है कि हम लोग साउथ एशिया में वी आर लास्ट। आप यकीन मानना मैं सारी वीडियो क्लिप लगा नहीं सकता हूं क्योंकि सब में सेम न्यूज है। पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े मीडिया तक में सिर्फ जयशंकर साहब छाए हुए हैं। मुबारक हो। और जयशंकर साहब ही पाकिस्तान की सबसे ज्यादा धुलाई करते हैं, सुनते जाइए, सबसे ज्यादा बेइज्जती करते हैं, सुनते जाइए, और सबसे ज्यादा सच्चाई का आईना जयशंकर साहब ही इन पाकिस्तानियों को दिखाते हैं, सुनते जाइए। लेकिन भाई लोग बड़े खुश हो रहे हैं। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। यूनाइटेड नेशन के फोरम पे खड़े होकर जयशंकर साहब ने पाकिस्तानियों को धोया था, लेकिन पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला। इट्स जीडीपी कैन ओनली बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजेशन and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. के पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। हाँ भाई हाँ। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। बात तो सही है। पाकिस्तानियों को अच्छी तरीके पता है जो बंदा हिंदुस्तान में बैठ के पूरी दुनिया में घूम घूम के पाकिस्तानियों को जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, कोई कसर नहीं छोड़ता, वो बंदा पाकिस्तान आएगा तो हमारी क्या हाल करेगा। ये भी याद रखें कि 2016 में हिंदुस्तान ने सात समिट से में आने से गुरेज की थी। और सुने जब पाकिस्तान मेजबानी कर रहा था, अब अगर आ रहे हैं इसमें शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं, मैं समझती हूँ पॉजिटिव बात है। क्या बात है। लेकिन हमें और कोई इससे लंबी चौड़ी तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश होगी या साउथ एशिया बरसगीर में कोई अमन की अमल शुरू करेंगे। ये समझती हूँ कोई मुल्क के साथ हम वो सलूक नहीं करेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान के खारजा वजीर के साथ तल्ख कलामी की थी, यानी के बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ की थी जब वो वहाँ की एससीओ समिट में गए थे। मोहतरमा साहिबा इतना भी झूठ मत बोलो, इतना भी झूठ मत बोलो, जितना सम्मान तुमको मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा सम्मान दिया था। ये उस समय की मीडिया भी, तुम्हारी मीडिया भी बोल रही थी और हमारी मीडिया भी बोल रही थी। खैर इन पाकिस्तानियों से तो उम्मीद करना ही बेकार है, ये तो झूठ की फैक्ट्री है, फैक्ट्री खटाखट 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 वाली जो उन्होंने जिसकी मेजबानी की थी। तो आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और हमें उससे वेलकम करना चाहिए। होस्ट कंट्री होने के नाते पाकिस्तान ने सभी मुल्कों को इनविटेशन भेजा था, हमारे मोदी जी को भेजा था, लेकिन मोदी जी बोले कि मुझे क्या जरूरत है, जब हनुमान जी है तो राम को जाने की क्या जरूरत है लंका जलाने के लिए। तो जयशंकर साहब अब हनुमान जी बन के जाएंगे और पाकिस्तान की बैंड बजाएंगे, और बैंड बजाएंगे 15 और 16 तारीख को, 2 दिन पाकिस्तान में रहेंगे। वाह भाई वाह। मैं तो बेसब्री से 15-16 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ जयशंकर साहब कैसे लाल पीला करते हैं इन पाकिस्तानियों को, कैसे इनकी सुझाते हैं और ये फिर मीडिया में बैठ के जयशंकर साहब सुझा के आ जाएंगे और फिर ये पै 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 करेंगे मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। इसकी वजह क्या है और मजा क्यों आएगा? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में अभी 2-4 दिन पहले यूनाइटेड नेशन के मंच के ऊपर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करके आए। हमें फख्र है इस पर। पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के लोगों में तो अभी तो उसी बात का दुख खत्म नहीं हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप उनकी आइडियोलॉजी की बात करता हूँ कि जो इंडिया है ना, इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व की है,
कि जो हिंदुस्तान है जो सिर्फ हिंदुस्तान के रहने की जगह है, और इसके अलावा जो इनकी दूसरी आइडियोलॉजी है इसमें वो अखंड भारत की बात करते हैं। अच्छा, अब देखें अखंड भारत क्या है, इसमें किसी भी वो इंटरनेशनल बॉर्डर को की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते। अच्छा, वो कहते हैं कि जितना भी ये सब कॉन्टिनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। यानी कभी किसी छोटे मुल्क के ऊपर कब्जा करके उसको अपने साथ मिलाने की दे आर ट्राइंग। अभी सबसे बड़ा मौका उनके पास बांग्लादेश को हासिल करने का था 1971, तब तो उन्होंने मुल्क बना दिया। अगर चाहते तो बांग्लादेश उन्हीं में से ही बना था ना, मशरकी पाकिस्तान दोबारा मिला देते। देखें मतलब अभी तक इतनी भी उनके पास पावर नहीं आई कि वो मुकम्मल तौर पर अटैक करके किसी भी मुल्क, लेकिन उनकी चौथे नंबर पे आर्मी है उनकी। मैम देखें अभी उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है कि हमने जो पूरा बरे सगीर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को कायम करना है। मेरे भाई मुझे तो बता दे कि हमारे अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है हम हिंदुस्तानियों में कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर है पाकिस्तानियों का सॉफ्टवेयर अपडेट करना, वाह भाई वाह, उनको जलील करना, ही 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 ही। उनको उनकी औकात दिखाना, समझ रहे हो, जो आतंकवादी हरकतें तुम करते हो ना पूरी दुनिया में उसको एक्सपोज करना। बहुत बढ़िया, ये सॉफ्टवेयर तो जरूर लगा हुआ है हम हिंदुस्तानियों में, और कौन से सॉफ्टवेयर की ये बात कर रहा है मुझे नहीं पता भाई। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जिन्हें उनकी जहानत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को बकायदा तौर पर मैसेज दिया या पाकिस्तान को बताया है और पूरी दुनिया के सामने ये बात किया कि भाई पाकिस्तान की अगर GDP आपने चेक करनी है तो वहां पे दहशतगर्दी चेक कर लें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, ये तो समझ लें कि बड़ी इंसल्ट वाली बात है। इंसल्ट वाली बात बिल्कुल है और तकलीफ भी होती है इस चीज को सुन के कि यार किसी भी मुल्क का वजीर आजम या उसका मिनिस्टर हमारे मुल्क को दहशतगर्द के, हमें तकलीफ होती है चीज को लेके। लेकिन आपने डॉक्टर जयशंकर की तो बात हमें बताई कि डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में खड़े होके पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा या पाकिस्तान को दहशतगर्द की फैक्ट्री कहा। लेकिन मैं आपसे मेन मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूँ। आप पहले आप ये बताइए, डॉक्टर जयशंकर ने पहले खिताब किया या पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले खिताब किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले खिताब किया। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का खिताब जो है ना यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में, वो जरा गौर से निकालिए और गौर से सुनिए कि उसके बीच में उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। अब मैं समझाता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उधर जाके कहा कि हम लोग दहशतगर्दी के बीच में रहते हैं, दहशतगर्द से लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के साथ हमने जंग लड़ी। यानी कि उन्होंने तस्लीम किया इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में है। देखिए उन्होंने जरबे अजम का भी उसके बीच में इशारा दिया, उन्होंने ये अभी जो फितनापुर जो है सारा कुछ उसके ऊपर भी उन्होंने कहा। और उससे पहले पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनल, किसी भी चैनल को आप हाथ नहीं लगाएं तो वो चैनल बताता था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान के बीच में जो है ना इतने दहशतगर्द आ चुके हुए कि हमारे फोर्सेस के लोगों को मार रहे, इवन के जवानों को जो है ना वो किडनैप भी कर लेते हैं। नो डाउट ये खबर प्रॉपर चली थी कि भाई पाकिस्तान में फोर्सेस के जवानों को उठाया गया और उन्हें तालिबान आए उठा के ले गए। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? अब मतलब लेट्स सपोज मैं ये कहूं कि यार बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, मैं कैसे इन्हें जो साहब बताऊं कि पाकिस्तान साहब देखिए पूरी दुनिया अगर दहशतगर्द कह रही है तो वो मामला थो भी तो रहे हैं। दहशतगर्दों ने 250 के करीब पाकिस्तान में मौतें हुई सिर्फ अगस्त के महीने की, आपको बात बता रहा हूं, दहशतगर्दी की वजह से 250 के करीब मौतें हुई हैं पाकिस्तान के बीच में। हमारा हम टेररिज्म पे चलता है तो टेररिज्म तो हम लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा। हमारे बच्चे मरते हैं और हमारे आए दिन हमारे यहाँ खुदकुश हमले होते हैं, इस चीज से तो हम परेशान है कि हमारे यहाँ कौन कर रहा है। अबे तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे लोग कर रहे हैं, तुम्हारे बनाए हुए तालिबानी कर रहे हैं, तुम्हारे बनाए हुए BLA वाले कर रहे हैं। अगर हम खुद ही पैदा कर रहे हैं तो हम अपने आप को खुद कैसे मरे? ये तुम्हारे ही लोग हैं जो तुमको मार रहे हैं क्योंकि माजी में तुम्हारे कर्मकांड खराब थे। अमेरिका से पैसे पकड़ के आतंकवाद की ट्रेनिंग तुमने खुद दी, जिहादी तुमने खुद बनाए, तालिबानी तुमने बनाए। तो भैया आग में हाथ डालोगे ना, जलेगा ना सही लेकिन फुलत तो जाएगा ही, लेकिन तुम्हारा झुलझा नहीं है, तुम्हारा पूरा जल गया। तुम्हारे हुक्मरानों ने अमेरिका से खजूर पकड़े थे, खजूर डॉलर, तब बनाए थे इतने आतंकवादी, और तुम्हारे खून के अंदर तुम्हारे DNA के अंदर जिहाद भरा गया था, इसलिए मर रहे हैं आज और कट रहे हैं। और अगर बात रहती है कि इंडिया पे हमने कब्जा किया हुआ है तो इंडिया को लगता है कश्मीर पे हमने कब्जा किया हुआ है तो कोई ये बताए कि जब पार्टीशन हो रही थी तो कश्मीर को हक क्यों नहीं दिया गया था कि वो जिसके साथ चाहे उसके साथ जा मिले? जबरदस्ती किसने ऑक्यूपाइड किया था? हिस्ट्री देखे कि कबायली आए थे, कुछ लोगों कहते हैं कि वो फोर्सेस थी जो कबायली के सूरत में है, और फिर राजा हरि सिंह ने जो है अपना जो विले है वो कर दिया भारत के साथ, आज भी उनके पास कागज मौजूद हैं। कश्मीर के अंदर ना पहले से ये था कि मुसलमानों की तादाद थी और हिंदुओं की तादाद थी, वहाँ कुछ एक साल या 6 महीने मुसलमानों की राज रहता था, 6 महीने हिंदुओं का राज रहता था। अच्छा ये भी हिस्ट्री है? ये भी हिस्ट्री है। अच्छा अब ये कौन सी हिस्ट्री है भाई?
कौन सी हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तुम पाकिस्तान के अंदर कि 6 महीने हिंदुओं का राज रहता था, 6 महीने मुसलमानों का रहता था। खैर इन पाकिस्तानियों की तो बात ही क्या करे, इनकी किताबों में तो ये भी पढ़ाया जाता है कि सन 702 से पाकिस्तान बनाने की कयावत शुरू हो गई थी, तहरीकें चल पड़ी थी, आंदोलन होना स्टार्ट हो चुके थे। अगर ये पाकिस्तान की थ्योरी को सच मान लिया जाए तो ये हो गई है टोटल 1700 साल पुरानी तहरीक, यानी कि 1700 साल पहले पाकिस्तान बनाने की कयावत शुरू हो गई थी। और सबसे कमाल की बात है कि इस्लाम 1450 साल पहले आया है। पढ़ा दे अपने बच्चों को। तीसरी क्लास का सब्जेक्ट है ये पाकिस्तानियों का, सामाजिक विज्ञान का। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।